कौन है सनी देओल का असली गॉडफादर, जिसकी वजह से सनी देओल पिछले 40 सालों से लगातार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सनी देओल को भले ही देओल परिवार के सबसे बड़े मुखिया धर्मेंद्र का साथ मिला और अपने पिता धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 1983 में आई बेताब फिल्म के जरिए सनी पाजी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। ये फिल्म हिट हुई लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार जितनी भी फिल्में की वो सभी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी। ऐसे में उन्हें एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जिस फिल्म के जरिए वो अपनी धाक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जमा सके। उनका मुकाबला संजय दत्त, अनिल कपूर जैसे सितारों के साथ चल रहा था और वो एक ऐसी फिल्म की तलाश में थे जिस फिल्म के जरिए वो खुद को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से स्थापित कर सके। तब एक ऐसे कलाकार ने उनकी मदद की थी जिस कलाकार को आज भी सनी पाजी बहुत ज्यादा मान और सम्मान देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 1983 में आई फिल्म बेताब के करने के बाद उन्होंने दर्जनों भर फिल्मों में काम किया लेकिन इन सभी फिल्मों के जरिए वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। ऐसे में साल 1990 आते आते वो एक ऐसी हिट फिल्म की तलाश में थे जो उन्हें जल्द से जल्द देना था और ये तलाश उनकी घायल फिल्म के साथ पूरी होती। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि राजकुमार संतोषी जो इस फिल्म के निर्देशक थे और उन्होंने निर्देशन की दुनिया में इसी फिल्म के जरिए कदम रखा था, इस फिल्म को लेकर वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ बनाना चाहते थे लेकिन धर्मेंद्र के कहने पर मिथुन चक्रवर्ती को हटाकर सनी पाजी को इस फिल्म में लिया गया था और ये किस्सा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। घायल फिल्म की बात करें तो ये उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म को लेकर कई सारे किस्से भी मशहूर हैं। दरअसल इस फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार संतोषी और फिल्म की कहानी को राजकुमार संतोषी ने लिखा था लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे धर्मेंद्र। पूरे अगर किस्से का जिक्र करें तो राजकुमार संतोषी जब इस फिल्म की कहानी को लेकर दर बदर भटक रहे थे तो मिथुन चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा था और मिथुन को लेकर ही घायल फिल्म का निर्माण करना चाहते थे क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों काफी हिट फिल्में दे रहे थे। ऐसे में राजकुमार संतोषी उन पर ही ये दांव खेलना चाहते थे लेकिन जब सनी देओल एक हिट फिल्म की तलाश में थे और धर्मेंद्र भी उनकी मदद करना चाहते थे तो ऐसे में जब उन्हें पता लगा कि राजकुमार संतोषी एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में हिट साबित हो सकती है, ऐसे में उन्होंने राजकुमार संतोषी से बातचीत की तो उन्हें पता लगा कि वो मिथुन चक्रवर्ती को लेकर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र मिथुन चक्रवर्ती काफी करीबी दोस्तों में से एक थे। मिथुन चक्रवर्ती के पास हो गए और उन्होंने ये फिल्म अपने बेटे को देने को कही। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और वो इस बात को टाल ना सके और उन्होंने इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया और फिर एंट्री होती है सनी देओल की। बॉलीवुड जानकारों का कहना है अगर मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में काम कर लेते तो मिथुन चक्रवर्ती का कद और भी ज्यादा बड़ा हो जाता। तो वहीं दूसरी ओर आने वाले समय में सनी पाजी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाते क्योंकि लगातार उनकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी। 1990 में आई फिल्म घायल इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी जिस फिल्म के जरिए सनी पाजी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगे थे और उन्हें एक्शन का बड़ा किंग कहा जाने लगा था। वैसे हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस फिल्म की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए काफी ज्यादा डर भी था। घायल फिल्म की जबरदस्त सफलता ने सनी देओल के करियर को सिर्फ संवारा नहीं था बल्कि सफलता की उड़ान भरने के लिए आसमान पर छाए बादल भी साफ कर आगे एक राह बना दी थी। सुपर डुपर हिट रही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई भी की थी और कई सारे अवार्ड भी अपने नाम किए थे। हालांकि फिल्म मेकिंग के समय राजकुमार संतोषी और धर्मेंद्र ही इस फिल्म को लेकर काफी डरे हुए थे क्योंकि एक तरफ जहां धर्मेंद्र इस फिल्म के निर्माता थे तो वहीं दूसरी ओर निर्देशन की दुनिया में राजकुमार संतोषी पहली बार इस फिल्म के जरिए काम कर रहे थे। लेकिन सनी का सितारा चमकाने के लिए पिता धर्मेंद्र लाजमी थे लेकिन सनी की यह फिल्म उनके करियर में टर्निंग पॉइंट बन गई। इसका अंदाजा ना तो सनी को था, ना ही धर्मेंद्र को और ना ही फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी को। वैसे घायल ने सनी देओल को एक्शन हीरो के रूप में पहचान बनाई थी और सनी के करियर को एक किक भी मिला था। फिल्म के दमदार डायलॉग और सनी देओल की लाजवाब एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया था। इस फिल्म में मीनाक्षी सेशाद्री से पहले श्रीदेवी को कास्ट करने की बात कही गई थी लेकिन उस वक्त एक्ट्रेस ने सनी के साथ फिल्मों में काम करने से इंकार कर दिया था। कैच न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद सनी ने बताया था कि श्रीदेवी को फिल्म के लिए जब अप्रोच किया गया था तो उन्होंने फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था जिसको लेकर सनी पाजी और भी ज्यादा चिंतित हो गए थे। लेकिन जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इस फिल्म ने अपने सफलता के झंडे गाड़े और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करके सभी को हैरान कर दिया था।